नमस्कार दोस्तों, जितने भी यूपी टेट एस्पायरेंट हैं उनके लिए मैं पर्यावरण से संबंधित जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा आज का नदी और उनकी परियोजनाएं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। पहला है परियोजना जो है इडुक्की परियोजना है। ये परियोजना जो है ये पेरियार नदी केरल में कनाडा के सहयोग से बनाई गई है इडुक्की परियोजना। नेक्स्ट आपकी है वकाई परियोजना। बकाई परियोजना ये ताप्ती नदी गुजरात में है, यानी कि इसका जो आंसर है वो है ताप्ती नदी, ये गुजरात में पड़ती है। नेक्स्ट आपकी परियोजना आती है जायकवाड़ी। जायकवाड़ी परियोजना ये गोदावरी महाराष्ट्र में है, इम्पोर्टेंट है जायकवाड़ी परियोजना। नेक्स्ट आपकी आती है थीन बांध परियोजना। थीन बांध परियोजना ये रावी नदी पंजाब में। नेक्स्ट आपकी आती है काकरा बांध परियोजना। काकरा बांध परियोजना ये भी ताप्ती नदी पे गुजरात में है। नेक्स्ट आपका आता है कोल बांध परियोजना, इम्पॉर्टेंट है कोल बांध परियोजना, ये सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट आपका आती है दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना ये है चिनाब नदी, ये जम्मू एंड कश्मीर में फ्रांस के सहयोग से चल रही है। नेक्स्ट है पोचमपाद परियोजना। तो पोचमपाद परियोजना है ये गोदावरी जो नदी है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे ये चल रही है। नेक्स्ट आपकी आती है दुर्गा बैराज ये दामोदर नदी जो है ये झारखंड और पश्चिम बंगाल के सहयोग से चल रही है दुर्गापुर बैराज परियोजना। नेक्स्ट आती है मयूराक्षी या मुरली परियोजना, ये मुरली नदी पश्चिम बंगाल में पड़ती है, वहाँ पर ये चल रही है। नेक्स्ट है कंसावती परियोजना, ये कंसावती नदी जो है ये पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट आपकी आती है घाट प्रवाह परियोजना, ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट आपकी आती है माल प्रथा परियोजना, ये भी कर्नाटक में है। नेक्स्ट आती है स्वर्ण रेखा परियोजना, ये उड़ीसा और झारखंड के सहयोग से चल रही है स्वर्ण रेखा परियोजना। चलिए अब देखते हैं हीराकुंड परियोजना, इसका जो मेन पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। इसमें हीराकुंड परियोजना ये उड़ीसा में महानदी पर है, और मेन स्ट्रीम पर ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध जो है विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है कोसी नदी घाटी परियोजना। कोसी नदी पर 1954 में प्रारंभ की गई परियोजना है कोसी नदी घाटी परियोजना जो है, यह भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना है और बिहार इससे लाभान्वित होने वाला राज्य है। कोसी नदी परियोजना जो है भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है और इससे सबसे ज़्यादा लाभ जो होता है वो होता है बिहार को। ये कब प्रारंभ की गई 1954 में। नेक्स्ट आता है चंबल घाटी परियोजना, ये मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। चंबल घाटी परियोजना राणा प्रताप सागर और गांधी सागर व जवाहर सागर इसी नदी पर स्थित है। जो चंबल नदी है राणा प्रताप सागर और गांधी सागर व जवाहर सागर इसी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट आता है माही बजाज परियोजना, ये जो है माही नदी पर गुजरात राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। माही नदी ये गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट आपका आता है नर्मदा घाटी परियोजना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है इससे क्वेश्चन बन जाए आपका। नर्मदा घाटी परियोजना जो है ये तीन राज्यों में शामिल है, एक तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो इसमें क्या है, गुजरात में सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है। नर्मदा घाटी परियोजना में क्या हुआ, गुजरात में सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया और मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध का निर्माण किया गया, जिसके लिए हर्षद कस्बा जलमग्न हो गया है। जो इंदिरा सागर बांध है उसके लिए हर्षद कस्बा जो है जलमग्न हो गया है। इस परियोजना में 3000 छोटे और 135 मध्यम व 30 बड़े बांध बनाए गए हैं। काफ़ी रोचक जानकारी है, 135 मध्यम और 3000 छोटे व 30 बड़े बांध बनाए गए हैं। कहाँ बनाए गए, हरी सागर बांध जो है इसमें, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आप